मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश की जनता जनार्दन ने तीसरी बार उन्हें आशीर्वाद दिया है, जो आजादी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश की जनता जनार्दन ने ये जनादेश से आशीर्वाद दिया है। उनके मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत हुआ है और बजट को देखकर मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें न्यू के पत्थर के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बजट साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्ञान इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से प्रमुख प्राथमिकता है, गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति, इस पर मेजर फोकस है। वहीं विकसित भारत के लिए नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई है। हमारे प्रदेश की लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई बहनों की है। इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे, 63,000 गांव लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक मेजर इसमें फायदा होगा। इस बजट में खेती भी एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभर करके आया है। खेती सर्वोच्च प्राथमिकता है, 9 प्राथमिकताओं में से एक बड़ी प्राथमिकता है और इसमें रिसर्च इनोवेशंस पर विशेष बल देने की बात कही गई है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और आज जो क्लाइमेट के चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह के कारण, उसके कारण क्लाइमेट रेजिलिएंट जो वेराइटीज हैं उनको डेवलप करना आज के कृषि की जरूरत है। इस पर विशेष फोकस इस बजट में देने की बात कही गई है और 109 वेरियस वेराइटीज डेवलप किए जा रहे हैं बीजों के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और 32 हार्टिकल्चर क्रॉप्स के अलग अलग वेराइटीज डेवलप किए जाएंगे, रिसर्च किया जाएगा। 70,000 करोड़ रुपया देश का पैसा, 70,000 करोड़ रुपया दलहन तिलहन के लिए देश से बाहर चला जाता है, तो दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए भी विशेष मिशन चलाने की बात कही गई है। आजकल एग्रोकेमिकल के कारण कैंसर्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं, उसको फोकस करते हुए इस बजट में विशेष ध्यान नेचुरल फार्मिंग पे देने की बात कही गई है और एक आने वाले दिनों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का संकल्प इसमें जताया गया है। युवा साथियों के लिए भी बहुत सारे विशेष इनोवेटिव स्कीम्स मोदी जी की सरकार द्वारा लाया गया है। लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए आने वाले सालों में खर्च किए जाएंगे और 4 करोड़ युवा भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें थ्री स्कीम्स विशेष रूप से जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने की दृष्टि से लाए गए हैं। इसमें पहली बार जो ईपीएफओ में जो रजिस्टर्ड होगा ईपीएफओ में उसमें उसके लिए विशेष इंसेंटिव स्कीम है, जैसे 15,000 रुपए प्रति पहले माह उनको प्रदान करना। इसके तहत 2,10,00,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। नए ईपीएफओ में जो रजिस्टर होंगे उसमें इंप्लायर को 3,000 रुपीज पर मंथ, नए युवा को जॉब देने पर 3,000 रुपीज पर मंथ ईपीएफओ का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 50,00,000 युवाओं को इससे जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। स्किलिंग के लिए 7,50,000 रुपए लोन का प्रावधान किया गया है, हायर एजुकेशन के लिए 10,00,000 रुपए तक के लोन का प्रावधान किया गया है और उसमें 3% ब्याज में छूट की बात कही गई है। मुद्रा लोन जो अधिकतम 10,00,000 रुपए तक मिलता था उसे 20,00,000 रुपए तक ले जाने की बात कही गई है। एक और विशेष बात इस बजट में जो निकल करके आई है वो इंटर्नशिप का है। हमारे देश की एकेडमिक्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में एक बड़ा गैप होता है, उसके कारण लोग हमारे भाई बहन बहुत सारे क्लास तक हम सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इंडस्ट्री में इम्प्लायबिलिटी इम्प्लायमेंट के लिए हम जो जरूरी चीज है उसे पूरा सीख नहीं पाते हैं। इसलिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से जोड़ने की बात इस बजट में कही गई है और उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह पैसा भी सरकार की ओर से और सीएसआर जैसे एक्टिविटीज के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और 1 करोड़ युवा भाई बहनों को इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी इंप्लायबिलिटी, उनमें जो भी इंडस्ट्री की विभिन्न सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उस जरूरतों को वो पूरा कर सके। हाउसिंग आवास मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी समस्या रहती है,
इसे एड्रेस करने के लिए जैसे मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है उसी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला है, आने वाले 5 सालों के लिए 3 करोड़ आवास का भी लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरी क्षेत्र में आवास की जरूरत है उसके लिए, उसमें 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और इससे अर्बन हाउसिंग में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। जो एक तरफ सरकार का ध्यान गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग, युवा भाई बहनों का रोजगार, ये सब पूरा क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसे मोदी जी करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा इसमें बिंदु मैं कहना चाहूंगा 11,11,111 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड की बात की घोषणा इस बजट में की गई है, जिसके माध्यम से नेशनल हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, जो शिपिंग है, इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। यही भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बन करके आएगा, सामने आएगा। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, इसके लिए हम लोगों ने भी प्री बजट डिस्कशन में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के सामने हमने रिक्वेस्ट किया था और कि सीए के कंपोनेंट को बढ़ाया जाए, स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस, जिसके तहत मोदी जी ने बहुत बड़ा मिशन चालू किया है, जिसके तहत राज्य सरकारों को भी पूंजीगत व्यय करने के लिए कैपेक्स के लिए जो रोड, ब्रिजेस, इस तरह के कामों के लिए, राजधानी सिटी डेवलप करना, इस तरह के कामों के लिए स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस का प्रावधान मोदी जी ने पहले किया हुआ है, जिसके तहत 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन, 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। मतलब उस लोन का, आज जो हम लोन लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको 50 साल बाद भारत सरकार को देना होगा और इन 50 सालों में 1 रुपए भी ब्याज की राशि नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ा असिस्टेंस राज्यों के विकास यात्रा को बड़ी जंप लगाने की दृष्टि से है। इस दृष्टिकोण से एससीए स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे मुझे लगता है कि विभिन्न राज्य सरकारों को, हमारे छत्तीसगढ़ को भी बड़ा लाभ होगा। जो प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की सोच है उसमें बहुत जरूरी है रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उन पे हमारी निर्भरता को घटाने की, डीजल, पेट्रोल, कोयला जैसी चीजों से हमारी निर्भरता को कम करने की बहुत जरूरत है। इसके लिए एक बड़ा ऐलान न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में भी इस बार किया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि देश आने वाले एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को अपना आसानी से पूरा कर सके। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस मिशन के लिए जो अंतरिम बजट आया था चुनाव से पहले, उसमें 1 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें 1,28,00,000 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये सोलर एनर्जी की दिशा में, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में और आम लोगों को बिजली पर जो पैसा खर्च होता है उसे समाप्त करने, कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा बिंदु उभर करके आया है। भारत को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना, मोबाइल फोन पर ड्यूटी कम करके मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना, लैंड रिफॉर्म्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें और भी की गई हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले कोरोना के बाद से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट की स्थिति कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा, बहुत खराब स्थिति बनी हुई है। उन परिस्थितियों में इन्फ्लेशन रेट को पूरी तरह से अभी इकोनॉमी में मोदी जी की आर्थिक नीतियों के कारण, निर्मला जी की आर्थिक नीतियों के कारण हम नियंत्रित कर पाने में सफल हुए हैं और इन्फ्लेशन लगातार कम होता जा रहा है और 4% के इन्फ्लेशन रेट को, के टारगेट को अचीव करने की दिशा में हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया की जितनी लार्ज इकोनॉमीज हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर के उभरा है, जो हम सबके लिए गर्व और खुशी का विषय है। आज इंडिया की इकोनॉमी फिनेंशियल ईयर 24 में 8.2% के रेट से बढ़ी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फॉरेक्स हमारा ऐतिहासिक स्तर पर है, कैपेक्स ऐतिहासिक स्तर पर है और भारत एक ओर विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में ऊंची छलांग लगाने जा रहा है और दूसरी ओर भारत में जो जरूरतमंद लोग हैं, ज्ञान,
गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। कृषि विशेष प्राथमिकता के रूप में उभर करके सामने आया है। मैन्युफैक्चरिंग में लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे प्रमोशन स्कीम्स लेकर के आए हैं, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे युवा भाई बहनों के लिए बहुत सारे बढ़ेंगे। और 4 करोड़ युवाओं की दृष्टि से 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। नए इंडस्ट्रीज में नए EPFO रजिस्ट्रेशन पर इंप्लायर को और इंप्लाई को दोनों को लाभ देने की बात कही गई है। 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप से जोड़ने की बात कही गई है। इन सबके मद्देनजर मैं इस बजट का बहुत वेलकम करता हूं।